हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पे। दिस इज मी दीपक सिंह। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे आई होप। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सेशन, इवन कंटिन्यू द सीरीज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि भाई आज मैं एक खूनी जलजले पे बात करूंगा, तो दिस इज ऑल अबाउट द खूनी जलजला। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन गुड इवनिंग। सो दिस इज मी दीपक सिंह, आई एम द फाउंडर ऑफ द चनक अकेडमी, ऑल्सो द फिनेंशियल एडवाइजर, गोल्ड मेडलिस्ट इन हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव मोर देन 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन UPSC गाइज। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, प्लीज ज्वाइन दिस चैनल फॉर द PDF एज वेल एज सम इम्पॉर्टेंट नोट्स। एक और इम्पॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपकी जो आंसर राइटिंग की क्लास है वो कल से स्टार्ट हो रही है अन अकेडमी ऐप पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा और जो अपने पिछले टॉपिक हैं, इन सब की आंसर राइटिंग कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली शाम को 4 PM पे आपको अन अकेडमी ऐप पे आना है, वहाँ पे मैं इसकी आंसर राइटिंग कराऊंगा। क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग। सो देखो भाई, अन अकेडमी का आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस के 330 कोर्स हैं, हिस्ट्री के आप 323 कोर्सेज अवेलेबल हैं, करंट अफेयर के 287 कोर्सेज हैं। मतलब एक ह्यूज कोर्स, और कई सारे टीचर्स ने, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ने वहाँ पे कंप्लीट किया है। मेरा भी हिस्ट्री का आपको मेंस का कोर्स वहाँ पे मिलेगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, मॉडर्न का। क्लियर है गाइस? दिस इज अबाउट द सब्सक्रिप्शन। आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अन अकेडमी, तो आपकी फीस होगी 44,000। दीपक वन कोड यूज करने पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 39,600। बी सीरियस, आप लोग ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपका अगर देखेंगे तो 39,600 को अगर आप 360, मतलब वन ईयर का है आपका, 364 से भी करते तो नियर अबाउट 70 to something 75-78 rupees जाता है एक दिन का। तो ये आपके लिए बहुत कम है, क्योंकि दिल्ली में रहने का खर्चा इतना हो जाता है। यहाँ आपका 24 मंथ का है, ठीक है, 64,000 to 57,000 इसकी फीस है, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो कोड यूज करने के बाद यही नहीं है कि आपको केवल डिस्काउंट मिलेगा, आपको एक पर्सनल मेंटरशिप भी अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको मेंटरशिप दूंगा। सेकेंड, एक आइकॉनिक का प्लान है, जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे साथ में, मेरी तैयारी में एक पर्सनल कोच हमेशा मेरे साथ रहे, डेली हमें क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होती रहे, स्टडी प्लानर मिलता रहे और पर्सनलाइज फीडबैक एक होता रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे ये सारी खूबी प्लस में नहीं है, लेकिन ये सारी खूबी आपको कहाँ पे मिलेगी? आइकॉनिक में मिलेगी। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 64,000 इसकी फीस है बेटा 12 मंथ की। दीपक वन कोड यूज करने पे आपकी फीस हो जाएगी 57,600। क्लियर है? यहाँ पे आपकी फीस है 99,000, फिर यहाँ पे दीपक कोड वन कोड यूज करने पे 89,100 की फीस हो जाएगी। क्लियर है? जिनको सब्सक्रिप्शन लेना हो, ठीक है, यूज दिस कोड फॉर गेटिंग पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम मी। सो गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो आप 1 मंथ का या 3 मंथ का ले सकते हो। वहाँ पे कोर्सेज सब अवेलेबल हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा ताकि आप इतने कम समय में आप काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लो। क्लियर है? ये उनके लिए जिनके पास में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर है? चलिए, तो पहले तो आज गांधी जयंती है, तो मैं आप सभी को पहले तो गांधी जयंती भाई, हैप्पी गांधी जयंती और हैप्पी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों लोग आज महान, जो देखा जाएगा कि हमारे इतिहास में तो काफ़ी ज़्यादा मेल जोल है। अभी अब मैं मॉडर्न शुरू करूँगा तो हम लोग देखेंगे अभी, तो एक बार इनको श्रद्धांजलि देते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या सभी का बफरिंग कर रहा है? आई डोंट थिंक सो बेटा, एक बार आप जरा उसको रिफ्रेश कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो भाई बापू को हमने श्रद्धांजलि दे दी, लाल बहादुर शास्त्री को भी दे दी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं खूनी जलजला। जो मारपीट है, मार काट है, जो हमें स्टार्ट करना है वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो खूनी जलजला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको अभी तक मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंप्लीट कराया है, उसके बाद फिर मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट कराया, नेपोलियन कंप्लीट कराया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली करा दिया। आई होप सो वो मेरे सबसे अच्छे लेक्चर है, आपने पसंद किया है, तो आपने इतना प्यार दिया, उसी पे मैं ये एक और लेक्चर लेकर आया हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको समझाऊंगा जहाँ पे आपको मजा आएगा।
ठीक है, यस यस, दिस इज ऑल अबाउट द जलजला, खूनी जलजला। ठीक है, तो खूनी जलजले की शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैं आपको पहली चीज बता दूं, आप बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू सुनेंगे तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री में बोलते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बिल्कुल सही कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के रीजन क्या थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ और इसके बीच का जो टाइम था उसके बारे में डिस्कशन। ठीक है अंजलि, बिल्कुल बेटा मैं करता हूँ, कुछ प्लान करता हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन, तो इन पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने जा रहे हैं, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एक कॉज देखेंगे, तो पहला कॉज जो आपके सामने दिखेगा, दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब अब जो समझना मेरी बात को, स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने लास्ट कंप्लीट किया था ना, उसी स्टेप बाय स्टेप में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना कि जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जर्मनी का नहीं होगा, ठीक है, तब तक न्यू ऑर्डर नहीं आएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अभी तक पूरे यूरोप में आपको जो देश के नाम देखने को मिलते थे वो ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, स्पेन, ठीक है, पोर्चुगल, आपको ये सब नाम देखने को मिलते थे। अब आपको देखने को मिलेंगे दो और नाम, जर्मनी, ठीक है, और इटली। अब आपको ये दोनों नाम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये दोनों नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस है, ठीक है, और फ्रांस के बाद में यहाँ पे एक और नाम मैं भूल गया, ऑस्ट्रिया, ये अपना डोमिनेंस रखना चाहते हैं कहां पे बेटा, यूरोप में। लेकिन जर्मनी और इटली जो अभी यूनिफाइड हुआ है, अभी न्यू बॉर्न नेशन आए, न्यू बॉर्न कंट्रीज आई है, जर्मनी और इटली, ये अपने आप को सेटअप करना शुरू करेंगे। अब आप सभी को मालूम है कि एक कंट्री पावरफुल, उसके बगल वाली कंट्री, आज बांग्लादेश अगर पावरफुल होने लगे तो हमें पेन होगा कि नहीं होगा? यस, जाहिर सी बात है, मुझे तो होगा। ठीक है, तो होता है कि अगर आपका पड़ोसी देश बहुत पावरफुल हो रहा है तो आपको एक पेन होता है कि यार हमारा पड़ोसी इतना पावरफुल हो रहा है, ठीक है, तो भाई उसे दबाना चाहिए। तो ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ठीक है, पोर्चुगल, इन सबको क्या लगा कि जर्मनी और इटली को उठने नहीं देना है। लेकिन अब बात होनी थी कि उठने नहीं देना है, यहां जो जर्मनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो गया, और इतना अच्छा हो गया कि जितना दूसरे यूरोपियन नेशंस का नहीं था। तो पहला है जर्मनी इकोनॉमिक लेवल पे डेवलप्ड होगा, फिर जर्मनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट करेगा, फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद यहां पे विलियम काइजर आ जाएंगे। विलियम काइजर जर्मनी के किंग थे, बहुत ध्यान से सुनना, विलियम काइजर जर्मनी के किंग थे, विलियम काइजर सेकेंड, और इनकी पॉलिसी को हम कहते हैं एग्रेसिव नेशनलिज्म। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री ऑप्शनल में थोड़ा सा घुस के देखें तो जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं उन सब ने बस यही बोला कि विलियम काइजर जिम्मेदार तो था, लेकिन विलियम काइजर से ज्यादा जिम्मेदार थे वहां के लोग। जैसा बेटा हम देखते हैं, जब चाइना पे वॉर करने की बात आती है हम सब कितने खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं अब मोदी को चाइना पे अटैक करना चाहिए, नहीं अब पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए, लेकिन हम उसके क्या कॉन्सिक्वेंस जानते हैं? हम जानते हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? अभी जो इंडियन इकोनॉमी पहले से क्राइसिस में चल रही है, क्या वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगी? क्या इंडिया बैंकक्रप्ट हो जाएगा? यस। तो इसलिए वॉर, अगर एक इंटेलेक्चुअल पर्सन कभी वॉर नहीं चाहता है, लेकिन विलियम काइजर ने जब अपनी पॉलिसी अपनाना शुरू किया तो जर्मनी के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उसको, ठीक है, और जर्मन पीपल्स के सपोर्ट से ही वर्ल्ड वॉर हुआ। अब हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे डेवलपमेंट है, फिर विलियम काइजर आएगा तो कुछ डेवलपमेंट्स होंगे जर्मनी में, जिसे हम जनरल डेवलपमेंट करेंगे, नॉट ओनली इन द जर्मनी बट ऑल्सो इन द यूरोप, यूरोप में भी होंगे। जैसे अब मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, जस्ट फॉर द हिंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे शायद आपने नाम सुना होगा कि ट्रिपल इंटेट बने थे, ट्रिपल अलायंस बनी थी, ग्रुपिज्म जिसे कहते हैं, अलायंस, ग्रुप बनाना, लोग अपना अपना ग्रुप बनाने लगेंगे, भाई तू मेरे साथ रहना, अगर कोई अटैक करेगा तो हम मिलके लड़ेंगे, ठीक है, तो अपने आप को पावरफुल करने के लिए जो ग्रुपिज्म है ना वो यहाँ पे डेवलप होगा, मिलिट्री डेवलप होगी, उसे हम जनरल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद जो इमीडिएट कॉज बनकर आएगा, ये मैं इमीडिएट कॉज दो लेकर चलता हूं, आर्किड्यूक फर्डिनांड की जो डेथ हुई उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है, ईस्टर्न क्वेश्चन। तो हम थोड़ा सा एक ईस्टर्न क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, क्लियर है? तो एक ईस्टर्न क्वेश्चन पे बेटा हमें डिस्कस करना है, दैट्स ऑल, दीज आर नॉट ओनली द कॉजेस बट ऑल्सो द फेजेस। यूपीएससी का क्वेश्चन यहां से आने के चांस ज्यादा होते हैं, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि वॉर में क्या हुआ, नहीं, लेकिन वॉर के पहले क्या हुआ वो इंपॉर्टेंस है।
आप महाभारत देखते हो, महाभारत की जितने भी दिन का युद्ध चला, जितने भी दिन का वॉर चला, वो इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन शुरुआत से जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट, जो 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 चला आ रहा था फेज, उसमें कितना मन लगता है। तो बस ये वही चीज है कि महाभारत होने के पहले का फेज क्या था, वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले, जो सबसे पहला कॉज कहें या फेज कहें, दोनों सही होगा। तो मैं सबसे पहला कॉज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कैपिटलिज्म था और जो इंपीरियलिज्म था, ठीक है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। एक वर्ड बोला जाता है कि इंपीरियलिज्म इज एन एक्शन, ठीक है, समझेंगे, एंड कॉलोनियलिज्म इज एन आउटकम। बट कॉलोनियलिज्म किस लिए आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर है, याद रखेंगे। तो अब क्या होता है कि जैसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आता है 1750 में, 1850 तक ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड के एक बहुत बड़े रिमेनिंग एरियाज को अपने अंडर में ले लेता है, और बाकी सब एरिया स्पेन, पोर्चुगल और फ्रांस के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, समझेंगे मेरी बात को। जर्मनी जो है, सॉरी ब्रिटेन, 1715 में जो IR आया, तो हमारे यहां बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 57 में, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 64 में, समझ रहे ना। तो ये किस लिए हुआ, IR आ गया है, रॉ मटेरियल चाहिए, डिमांड बढ़ानी चाहिए, मार्केट बनाना है, तो एक दूसरे देश पे कैप्चर करो, ये हर एक कंट्री को मिलिट्री पावर यूज करके कैप्चर करो। यस, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, और ये कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म स्टार्ट हुआ यूरोप, ब्रिटेन ने स्टार्ट किया पूरे वर्ल्ड में। तो आधे से ज्यादा वर्ल्ड जो था वो ब्रिटेन के अंडर में था, बाकी स्पेन, पोर्चुगल और फ्रांस के अंडर में थे। लेकिन जर्मनी का तो बर्थ ही होता है 1870 में, अभी हम लोग जर्मनी का बर्थ करा कर आए हैं, ठीक है। अब 1870 में जर्मनी का बर्थ होता है, 1870 से 1914 तक जर्मनी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर बन जाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको वॉर लड़ना है तो आपकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहला जर्मनी ने क्या किया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में डेवलपमेंट किया। मैं आपको बता दूं, 20th सेंचुरी की बिगिनिंग, मतलब मैं आपको बता दूं 1904 से 1910 तक जर्मनी 1000 कार्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करता था। ये कार देख रहे हो ना आप, मतलब जर्मनी 1000 कार्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करता था, और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में पायोनियर था। आज भी आप जितने भी बड़े बड़े कार कंपनीज देखोगे, सब जर्मनी की हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ निकोलस ओटो कार्ल बेंज ने मिलकर 4-स्ट्रोक कंबस्टन इंजन जो बनाया, और उसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ, और जर्मनी ने 1000 कार्स पर ईयर डेवलप करना शुरू किया। अब डेवलपमेंट कार का हो गया, अब कार के डेवलपमेंट के बाद आप यहां पर देखेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप होने लगी। अब जैसे ही आयरन और स्टील, किसी भी कंट्री का सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर जर्मनी दो वर्ल्ड वॉर के बाद भी आज यूरोपियन नेशन का हेड है, भाई जर्मनी इतनी तेजी से इकोनॉमिक कैसे स्ट्रांग हो जाता है। तो बोलेंगे कि जर्मनी के पास में आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या शुरू किया, आयरन और स्टील इंडस्ट्री शुरू किया। और जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री जर्मनी ने डेवलप करना शुरू किया, तो इससे जर्मनी का कोल और आयरन इंडस्ट्री डेवलप हुआ, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ, और जर्मनी स्टील के प्रोडक्शन में ब्रिटेन को 1910 में पीछे छोड़ देता है। कैन यू बिलीव दैट, 1910 में, 1910 में जर्मनी ने स्टील प्रोडक्शन में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। न्यू बॉर्न कंट्री, अभी अभी जो बॉब, अभी अभी जिसका बर्थ हुआ, इससे पहले जर्मनी का नामो निशान नहीं था। केमिकल इंडस्ट्री डेवलप करती है, केमिकल इंडस्ट्री में फिर क्या होता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर डेवलप होता है। और मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड के डाई सेक्टर पे, डाई जो कलर होता है ना, कलर, ये जो आप आजकल पेंट करते हो, दूसरी चीजें, ये जो कलरफुल दुनिया है ना, ये जर्मनी लेकर आया। तो जर्मनी ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में डाई को इनोवेट किया, और जर्मनी ने डाई सेक्टर में मोनोपोली बना ली। पूरे वर्ल्ड मार्केट में डाई कहीं भी जाता था, केवल जर्मनी उसको एक्सपोर्ट करता था। अब जर्मनी के पास यहां भी पैसा आ गया, देख रहे हो ना, ये पैसा आ रहा है, ये गिनता जा रहा है, ये जर्मनी है, ठीक है, ये समझ लो, मतलब अभी छाप रहा है, अभी छाप रहा है, फिर देखो कैसे रोल करेगा, ठीक है।
फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आया। अब इंफ्रा डेवलपमेंट में इन्होंने इंपीरियल रेलवे ब्यूरो स्टैब्लिश किया, और इंपीरियल रेलवे ब्यूरो स्टैब्लिश करने के बाद इन्होंने जर्मनी की सारी सिटी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जर्मनी में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आप देखो इंडिया में रेलवे आने के बाद में इंडिया का ग्रोथ हुआ, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेलवे आने से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। तो जर्मनी को इकोनॉमिक यूनिटी के लिए एक इंफ्रा यूनिटी चाहिए, तो रेलवे ने जर्मनी को कोने कोने से सभी को मिला दिया, समझ रहे हो, और सभी स्टेट आपस में मिल गए। अब इससे हर एक स्टेट में ट्रेड कॉमर्स डेवलप होने लगा और जर्मनी पैसा छापने लगा। देखो ये डक महोदय ये पैसा छापते हुए जा रहे हैं। ठीक है, फिर 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई। ठीक है, और 20th सेंचुरी की शुरुआत में एक बहुत बड़ी चीज हुई, मेड इन जर्मनी का टैग पूरे वर्ल्ड में आ गया, मेड इन जर्मनी। अब जब मेड इन जर्मनी का टैग पूरे वर्ल्ड में बिखर गया, मतलब ब्रिटेन को लगा कि यार इतनी बड़ी कॉलोनी हमारी है लेकिन हमारे मार्केट में भी जर्मनी के गुड्स बिक रहे हैं। दैट बिकेम इरिटेशन फॉर द ब्रिटेन। ब्रिटेन बहुत ज्यादा इरिटेट हुआ। क्यों इरिटेट हुआ मालूम है आपको? ब्रिटेन के पास में क्या है मालूम है? इंडिया है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये उनकी कॉलोनी है और इनसे वो काफी कमाता है और इनके लिए मार्केट भी है और रॉ मटेरियल का सोर्स भी है, जिसे हम ऑक्सीजन कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो हम उसे ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। लेकिन भैया मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स ध्यान दो, ब्रिटेन के मार्केट में जर्मनी इंटर कर गया है। मेड इन जर्मनी जब जब ब्रिटेन देख रहा है वो इरिटेट हो रहा है, व्हाट इज दिस, और ये भी कह रहा है कि जर्मनी के पास में ऑक्सीजन भी नहीं है। ऑक्सीजन समझ रहे हो ना, कोई कॉलोनी नहीं है जर्मनी के, जर्मनी ने किसी भी इलाके को कैप्चर नहीं किया, फिर भी हर जगह जर्मनी। दैट बिकेम द प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटेन। आप जरा समझो, अब ये तो रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जर्मनी जो था वो तेजी से डेवलप होने लगा, आगे समझ में ना। ठीक है, अब इकोनॉमी जर्मनी की डेवलप हो गई। अब यहां पे सेकेंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट दो लोगों के टाइम में देखने को मिलेगा। सबसे पहला हमें देखने को मिलेगा बिस्मार्क, आप सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, बिस्मार्क हमने अभी यूनिफिकेशन में कंप्लीट किया है। ठीक है, पहला बिस्मार्क, और बिस्मार्क के अलावा दूसरा आएगा विलियम काइजर सेकेंड। क्लियर है, अब ये दूसरा आएगा। ठीक है, अब देखना मेरी बात को। बिस्मार्क ने जैसे ही जर्मनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ, जर्मनी जैसे ही जर्मनी का बर्थ होता है, बिस्मार्क एक पॉलिसी लेकर आता है, उस पॉलिसी को हम कहते हैं कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म। इसका मतलब क्या है आपको यहां पे ये जीआईएफ देख के समझ में आ रहा होगा, फ्रेंड्स फॉरएवर। व्हाट अबाउट द फ्रेंड्स फॉरएवर? बिस्मार्क कहता है कि अभी न्यू बॉर्न जर्मनी को पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और इसीलिए ये बिस्मार्क कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म की पॉलिसी अपनाता है। अब आप पूछोगे सर ये पॉलिटी क्या, मतलब ये कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म क्या है? What is cautious continentalism? Then my answer is maintain friendly relations with important powers of Europe. तो यूरोप के जो important powers हैं उनके साथ में एक friendly relation develop किया जाए। अब देखो कैसे कैसे develop हुआ। सबसे पहले एक बना triple alliance। Triple alliance बना जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में। फिर बिस्मार्क ने ब्रिटेन के साथ दोस्ती की, समझ रहे हो? और ब्रिटेन के साथ दोस्ती करते हुए बिस्मार्क ने एक बहुत अच्छी बात बोली। क्या बोली? बिस्मार्क यूज्ड टू से दैट कि ब्रिटेन एक नवल पावर है और जर्मनी एक लैंड पावर है, समझ रहे हो? जर्मनी के पास में एक लैंड आर्मी, बहुत अच्छी लैंड पावर है जर्मनी, और ब्रिटेन एक नवल पावर है, तो हमारा कहीं से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तुम अपने में महान हो, हम अपने में महान है, तो कैन बी फ्रेंड्स। तो बिस्मार्क, तो ब्रिटेन ने बोला यस यस ऑफ कोर्स आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो ये भी फ्रेंड बन गए। तो देखो यहां पे फिर दिख रहा है ना, फ्रेंड्स फॉरएवर, जर्मनी ब्रिटेन हंस रहे, चलो दोस्ती हो गई। तो अभी इनके बीच में एक फ्रेंडशिप क्रिएट होने लगी, फ्रेंड्स फॉरएवर की फीलिंग आने लगी। फिर बिस्मार्क ने रसिया से भी फ्रेंडशिप कर ली और उसने बोला रसिया को कि तुम कुछ भी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मेरे अच्छे दोस्त बन के रहना, बेवफाई कभी मत करना। तो रसिया ने कहा अरे बहुत अच्छी बात है, हम सब दोस्त रहेंगे, फ्रेंड्स फॉरएवर। बोले ठीक है, लेकिन फ्रांस को इसने आइसोलेशन में रखा। कहां पे रखा? आइसोलेशन में रखा। अब फ्रांस को आइसोलेशन में क्यों रखा मालूम है आपको? अभी जस्ट हमने यूनिफिकेशन में देखा कि जर्मनी
के यूनिफिकेशन में फ्रांस के नेपोलियन थर्ड को बिस्मार्क ने डिसीव किया, धोखा दिया था, हम सभी को मालूम है, ठीक है, और उसको धोखा दिया वहां पे। अब इन्होंने उसको धोखा तो दिया बेटा, लेकिन फ्रांस को आइसोलेट करके रखा, बोला इसकी कोई औकात नहीं है, ना हमें जरूरत है और ना हमें इससे मतलब रखना है, क्योंकि अगर फ्रांस से दोस्ती कर लेता तो फ्रांस बार बार बोलता अरे वो तुम्हारे यहाँ कोयला है ना दे दो, तो दे देता, फिर फ्रांस बोलता तुम्हारे वो लोहा है ना दे दो, क्योंकि फ्रांस इज द ओनली कंट्री विदाउट रिसोर्स इन यूरोप, ठीक है। तो इसने फ्रांस को आइसोलेट रखा और फ्रांस बदले की आग में धधक रहा, बोला कब मिले पटक के मारेंगे जर्मनी को, बस फ्रांस दिन रात सोच रहा है एक मौका दे दे भैया, पटक के मारेंगे जर्मनी को, इसीलिए जर्मनी ने इसको आइसोलेट करके रख दिया, ठीक है। अब इसको आइसोलेट करके क्वारंटाइन में रख दिया। अब जरा समझो बिस्मार्क ने अच्छा किया कि नहीं किया, बताओ बच्चों, टेल मी माई फ्यूचर ऑफिसर्स, बिस्मार्क ने अच्छा किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा किया, कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म की पॉलिसी, पीस स्टेबिलिटी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ बदलाव आता है। बदलाव आया जब पूरा यूरोप वॉर में फंसा हुआ था, तब बिस्मार्क ने जर्मनी को पीस प्रोवाइड की थी, ठीक है, बिस्मार्क ने जर्मनी को पीस प्रोवाइड की, लेकिन 1888 में जर्मनी को एक नया रूलर मिला, विलियम काइजर सेकेंड, और इसने बोला वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, वी हैव अ ह्यूज आर्मी, देन व्हाट इज द नीड ऑफ कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म। तुरंत आदमी आया और कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म की पॉलिसी को हटा दिया, बोला नो आई डोंट नीड दिस, और इसने ले आया एग्रेसिव इंपीरियलिज्म। कौन सी पॉलिसी ले आया? एग्रेसिव इंपीरियलिज्म ले आया। इसने बोला कि अब पूरे वर्ल्ड पे हमारा राज होगा, समझ लो। नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन थॉट, कॉमन एस्पिरेशंस, कॉमन बिलीफ, कॉमन एक्नॉलेज कॉल्ड नेशनलिज्म। देन व्हाट इज द एग्रेसिव नेशनलिज्म? ओनली आवर कंट्री इज द बेस्ट, बी आर द पावरफुल, बी आर द आर्यंस। काइजर ने बोला बी आर द आर्यंस, हम आ रहे हैं, हम पावरफुल हैं। हिटलर जो आगे यूज करता था उसको विलियम काइजर ने सबसे पहले बोला था, और इससे विलियम काइजर ने सबको क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। अब देखो क्या होगा, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा, अब जैसे ये एग्रेसिव इंपीरियलिज्म आया, बिस्मार्क ने बोला ओहो नो 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 नो, दिस इज नॉट गुड। तो ये इसको काइजर को ये पता चल गया कि बिस्मार्क मेरा सबसे बड़ा हर्डल है, और अगर मुझे अपना एंबिशन पूरा करना है तो इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए करें क्या? तो फिर बिस्मार्क को विलियम सेकेंड ने एक प्रॉब्लम क्या किया, मान लो राष्ट्रपति सभी कैबिनेट मिनिस्टर को बुला लो, पीएम को बुलाए ना, मोदी को ना बुलाए, बाकी सबको बुला ले, तो पीएम की कोई वैल्यू रह जाएगी? विलियम काइजर ने भी यही किया, विलियम सेकेंड ने क्या किया, उसने मीटिंग बुला ली, नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए, लेकिन बिस्मार्क को नहीं बुलाया। बिस्मार्क को बहुत बुरा लगा कि आई एम द पीएम, आई एम द चांसलर, मैंने जर्मनी को एक किया, मैंने सपना देखा सबसे पहले, और मुझे हटा दिया। बिस्मार्क को 1890 में रिमूव कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी किसकी? काइजर की, क्योंकि काइजर ने बिस्मार्क को हटाकर आफत मोल ले ली थी जर्मनी के लिए, ठीक है, और यहीं से वो हट गया। और जैसे वो हटा तो फ्रांस और ब्रिटेन काइजर को इस तरीके से देखते थे, लेकिन जैसे ही हटा तो बिस्मार्क क्या लेकर आ गया मालूम है आपको, सॉरी विलियम सेकेंड क्या लेकर आ गया मालूम है आपको? पॉलिसी ऑफ वेल्ट पॉलिटिक्स। डिड यू हियर द वर्ड वेल्ट पॉलिटिक्स? वेल्ट पॉलिटिक्स इज अ जर्मन लैटिन वर्ड, इट मींस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सॉरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? शुरुआत में फ्रांस और ब्रिटेन को विलियम काइजर ऐसा दिखता था, और जैसे उसने अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की ऐसा दिखने लगा। अब इनको समझ में आ गया कि अरे यार ये इंसान सही नहीं है, यार ये इंसान सही नहीं है, ये जैसा दिखता वैसा है नहीं, ये रियल में विलियम काइजर की फोटो है, ये जैसा दिखता वैसा है नहीं, ये तो ऐसा है। क्यों ऐसा है? ये जो वेल्ट पॉलिटिक जो है, इस पॉलिसी में इसने एक बिल्कुल क्लियर करके दो इंसिडेंट, दो कदम उठाए। दो कदम कौन से उठाए? एक तो बोअर वॉर उठाया, और एक उठाया मोरक्को क्राइसिस।
अब बोर कौन होते थे, बोर कौन होते थे, तो मैं आपको बताऊं, बोर जो होते थे वो डच फार्मर्स थे जिनको साउथ अफ्रीका में बोर कहा जाता था, और साउथ अफ्रीका जो था वो ब्रिटेन के अंडर में था, किसके, ब्रिटेन के अंडर में। तो ब्रिटिश जो थे इन डच फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है, कहां पे, साउथ अफ्रीका में। तो फिर क्या हुआ कि इन फार्मर्स के लीडर थे क्रूजर, क्रूजर ने क्या किया, एक रिवोल्ट किया कि नहीं ब्रिटेन एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, गलत कर रहा, मैं इसके खिलाफ में रिवोल्ट करूंगा। और इन्होंने क्या किया, विलियम काइजर ने क्या किया, बोला वेल डन वेल डन, थम्स अप तुम भी कर दो, इसने भी कर दिया तो थम्स अप कर दो, तो बोला वेल डन, मजा आ गया भाई साहब। बोले क्या मजा आ गया, तुरंत सपोर्ट मिल गया क्रूजर को, किसका, विलियम काइजर का। जर्मनी फ्रांस कह रहे, अरे यार ये इंसान क्या है, तो उनको रियल चेहरा ये वाला दिख गया जर्मनी और फ्रांस को। तो बोअर वॉर क्या था, बोअर कम्युनिटी है डच फार्मर की साउथ अफ्रीका में, जिसका ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। जब वहां पे ब्रिटिश के खिलाफ में रिवोल्ट हुआ तो विलियम काइजर ने उनको सपोर्ट कर दिया, और जैसे ही विलियम काइजर ने उनको सपोर्ट किया तो फ्रांस और एक एक ब्रिटेन को एक हवा आती आती महसूस हुई कि यार काइजर का मतलब समझ लो इसका विजन गलत है, ये कुछ ना कुछ तो गलत करेगा। और तब तक एक और चीज कर दी, क्या, मोरक्को क्राइसिस। मोरक्को क्राइसिस क्या था, मोरक्को के किंग के अगेंस्ट में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, समझ लो। तो फिर मोरक्को के जो किंग थे इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांस जो है, ठीक है अब समझना मेरी बात को, फ्रांस जो था वो मोरक्को फ्रांस के अंडर में था, ठीक है। और यूरोप में आपने देखा होगा मेडिटेरेनियन ओशियन, ठीक है, सी सॉरी, ठीक है। तो अब अगर आपको अफ्रीका से यूरोप में जाना है तो आपको कहां से होके जाना पड़ेगा, तो आपको होके जाना पड़ेगा कहां से बेटा, मोरक्को से, ठीक है, मतलब यूरोप से अफ्रीका आना तो मोरक्को से जाना पड़ेगा। और मोरक्को किसके अंडर में था, फ्रांस के अंडर में था, ठीक है। और वहीं पे क्या हुआ कि मोरक्को में क्राइसिस स्टार्ट हो गया, मोरक्को के किंग ने फ्रांस के खिलाफ में रिवोल्ट कर दिया। जैसे ही रिवोल्ट किया तुरंत विलियम सेकेंड आए, बोले गुड 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 मोरक्को किंग, गुड, आई एम विथ यू, कीप इट अप, आई एम विथ यू। तो बोले यार बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट मिल गया। विलियम सेकेंड वहां भी पहुंच गया, फ्रांस के खिलाफ में मोरक्को को सपोर्ट कर दिया। तुरंत ब्रिटेन ने समय नहीं गवाया, ब्रिटेन इमीडिएटली फ्रांस के साइड आ गया। ब्रिटेन ने बोला फ्रांस टेंशन मत ले भाई, मैं तेरे साथ हूं। फ्रांस ने बोला हाँ आ जा भाई, नहीं तो मार डालेंगे मुझे पटक के। बोले हाँ सही कह रहा, मैं आ गया हूं, तू टेंशन मत लेना। तो अब विलियम काइजर को यह पता चल गया कि अब वो ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर नहीं लड़ सकता, अगर फ्रांस अकेला होता तो हरा देता, लेकिन ब्रिटेन आ गया है तो अब विलियम काइजर लड़ना नहीं चाहता था। तो विलियम काइजर ने सडन क्या बोला मालूम है, विलियम काइजर क्या कहता है, मुझे मोरक्को बैंक में, नेशनल बैंक ऑफ मोरक्को में कुछ शेयर दे दो। देखो यहां पे लिखा हुआ है, नेशनल बैंक ऑफ मोरक्को में मुझे कुछ शेयर दे दो, ठीक है, और मुझे कुछ शेयर दे दो नेशनल बैंक ऑफ मोरक्को में, और बस मैं चला जाऊंगा। देखो लालच, देखो मोरक्को का किंग बोला बे तू आया था मदद करने और तू मेरे बैंक में शेयर लेके जा रहा है। तो विलियम काइजर कहता है आई नीड ओनली मनी, ओके, मैं तुम्हारे साथ कोई इमोशनल, तुम मेरे दामाद थोड़ी ना, इमोशनल एक अटैचमेंट होगा। तो भैया वो भी मामला वहां से क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा समझो, अब ये एक क्लियर कट मैसेज पता चल गया ये दो इंसिडेंट से, कौन से इंसिडेंट, देखो बोर वॉर और मोरक्को क्राइसिस, इन दो इंसिडेंट से बिल्कुल क्लियर कट मैसेज चला गया। और वो मैसेज क्या था कि जो विलियम है वो कन्फ्रंटेशन के मूड में, ठीक है। और यूरोप में मान लो कि जैसे सुबह सुबह नहीं आप सोते हो, गहरी नींद में एक अलार्म बजता है, आप बेचैन होकर उठ जाते हो, ऐसे एक अलार्म बजने लगा, यूरोप के लोग बेचैन हो उठे, बोले कुछ करो ना ये बर्बाद कर देगा। तुरंत ब्रिटेन के लोगों ने डेवलपमेंट शुरू किया, और जैसे ही ब्रिटेन के लोगों ने डेवलपमेंट शुरू किया, ठीक है समझ रहे हो, तुरंत वहां पे जनरल डेवलपमेंट में यूरोप में दो डेवलपमेंट देखने को मिले, एक डेवलपमेंट देखने को मिला मिलिटराइजेशन, और दूसरा डेवलपमेंट देखने को मिला डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक्स। तो व्हाट अबाउट द मिलिटराइजेशन, लोगों ने यूरोप के सभी देशों ने यह प्लान बनाया कि अपनी अपनी मिलिट्री बढ़ाओ, वॉर कभी भी हो सकता है, लेकिन सब सोच रहे थे, विलियम काइजर ने सबसे पहले कर दिया। और क्या कर दिया विलियम काइजर ने, ठीक है, विलियम काइजर ने बोला, सबसे पहले विलियम काइजर ने
सबमरीन बना दी जर्मनी नेवी के लिए, लो सबमरीन जिसे हम यू बोट सबमरीन बहुत फेमस है, मैं आपको आगे बताऊंगा, बने रहो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि स्टोरी बहुत गजब है। अभी मैं आपको आगे बताऊं, मैं बता रहा हूं कि बेटा मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक बना के सब करा दूंगा और आंसर राइटिंग भी करा दूंगा, आपको लगेगा कि यार इतना आसान कुछ हो सकता है, और बस ये आप ही के लिए कर रहा हूं, ये रात को मैं मतलब सुबह 4 बजे तक बनाया हूं आपके लिए, ठीक है, शायद मैंने स्टेटस लगाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, तो सुबह 4 बजे तो मैंने इसको बनाया है, ठीक है, कि भाई आपको एक अच्छा नॉलेज, क्योंकि इससे क्या होता है आप सब याद कर लोगे, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप मेरी क्लास लो, याद हो जाएगा, आंसर राइटिंग करो, एवरीथिंग विज ओके, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, अब देखो यहां पे सबमरीन हुआ, अब जर्मन नेवी ने यू बोट सबमरीन लेकर आ गई, ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने कील कनाल डेवलप कर लिया। अब कील कनाल क्यों डेवलप किया, इसने बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ दिया, तो जर्मनी ने यह सोचा अगर कहीं से भी वॉर होगा तो मैं इस कनाल से इजिली पूरे यूरोप को अपने अंडर में ले सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। और तुरंत इसने रेलवे बना दी, कहां से, बर्लिन से बगदाद, बगदाद मतलब टर्की, बर्लिन से बगदाद की रेलवे बना दी, बोला रेलवे लाइन बिछाओ, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाओ, ठीक है, क्लियर है, तो ये एक बर्लिन से बगदाद की रेलवे लाइन आ गई, समझ रहे हो। तो सब सोचते रहे, इनने उठा के कर दिया, ये बेटा ये यू बोट सबमरीन ना, आगे मजा आने वाला है, इसने कैसे जर्मनी का ग्रेवयार्ड बनाया, जर्मनी ने इसको बनाया था अपने भले के लिए, ये जर्मनी को डुबा देगा, कैसे अभी बताऊंगा, जर्मनी हारेगा उसी की वजह से। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, मिलिटराइजेशन स्टार्ट हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, समझो, तो मिलिटराइजेशन वो था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। दूसरा डेवलपमेंट क्या था बेटा, डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक्स, ट्रिपल अलायंस बन गया, जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली एक हो गए, ट्रिपल अलायंस, ड्यूल अलायंस बना, फ्रांस और रसिया एक हो गए, ट्रिपल इंटेंट बना, ब्रिटेन फ्रांस और रसिया एक हो गए, क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, ब्रिटेन ने तुरंत एक अलायंस बनाया जापान के साथ में 1902 में, ठीक है, और जैसे ही जापान के साथ में ब्रिटेन ने दोस्ती की, ब्रिटेन ने एक बार फिर पूछा तुम मेरे दोस्त बन गए, ब्रिटेन ने बोला यस यस, मतलब जापान ने पूछा ब्रिटेन से तुम मेरे दोस्त हो गए, बोले हाँ हो गया, तुरंत जापान ओवर एंथुजियास्टिक, हाइपर एंथुजियास्टिक जापान पहुंचा, और ठीक 3 साल बाद 1905 में इसने रसिया को स्लैप किया, मतलब रसिया पे अटैक किया और पोर्ट आर्थर को कैप्चर कर लिया, ठीक है, पोर्ट आर्थर को कैप्चर कर लिया। कैन यू बिलीव दैट, कि जापान जैसा छोटा सा देश रसिया जैसे बड़े देश पे अटैक कर दिया, क्यों, ब्रिटेन ने बोला आज से तुम हमारे दोस्त हो, जापान पहुंचा बोला आ रसिया इधर आ, दिया एक खींच के और पोर्ट आर्थर को कैप्चर कर लिया। अब आपको मालूम होगा इसी टाइम हमारे इंडिया में रेवोल्यूशनरी बहुत ज्यादा प्रवोक हो गए थे, मालूम है क्यों, मोटिवेशन आ गया था, जब जापान हरा सकते तो हम क्यों नहीं, स्वदेशी मूवमेंट, इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट को भी यहीं से मोटिवेशन मिला था, एक्सटर्नल फैक्टर हम मॉडर्न में पढ़ते हैं, क्लियर है। तो जापान ने रसिया को स्लैप किया, ठीक है, और स्लैप करते ही अब देखो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जनरल डेवलपमेंट तीनों हो गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने आप एक बार रिवीजन देख लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया कि जर्मनी कैसे पावरफुल बना, फिर मैंने आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट बता दिया कि जर्मनी में बिस्मार्क ने कॉशियस कॉन्टिनेंटलिज्म किया, लेकिन जो विलियम काइजर था वो एग्रेसिव इंपीरियलिज्म ले आया, बहुत अच्छी बात है। फिर एक जनरल डेवलपमेंट आया, अब जनरल डेवलपमेंट में क्या था, तो भाई जनरल डेवलपमेंट में यह था कि इन लोगों ने ब्लॉक बनाने शुरू किए, मिलिट्री बनाने शुरू की, समझो, जर्मनी इकोनॉमिक पावरफुल, पॉलिटिकल पावरफुल, मिलिट्री बन गई है, अलायंस बन गए हैं, ठीक है, अलायंस बन गए, अलायंस मतलब समझते हो, अलायंस मतलब क्या होता है, अलायंस मतलब समझते हो, ये होता है अलायंस, अलायंस मतलब ये होता है, अलायंस मतलब ये मतलब, ठीक है, अलायंस मतलब ये होता है कि एक वीक, मतलब वीक, कई वीक कंट्रीज को एक पावरफुल कंट्री बोलता है कि तुम आगे बढ़ो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, इसे हम कहते हैं अलायंस। अलायंस वर्ड का गलत मतलब मत समझना, अगर इंडिया चाइना मतलब इंडिया एशियन कंट्री सब दोस्ती कर ले, वो अलायंस नहीं है, वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है।
लेकिन अमेरिका इंडिया से दोस्ती करे, बोले तू आगे बढ़ मैं तेरे साथ हूं, वो अलायंस है, उसमें एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला देता है, आपको बचाता है, दिस इज कॉल्ड अलायंस। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है? ठीक है, तो चलो इसको हटा ले तो ना मर जाएगा रसिया। ठीक है, अब समझो मेरी बात को, पहले एक बात ध्यान से समझ लो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, जनरल डेवलपमेंट हो गया, अब यहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। जब मूवी चलती है तो स्क्रिप्ट होता है ना, स्क्रिप्ट तैयार हो गया है, अब शूटिंग टुक प्लेस, बस गोली चलनी है, सेना आ गई है, महाभारत का युद्ध होने वाला है, गीता का उपदेश हो गया है, अब बस अर्जुन को तीर चलाना है और दोनों कौरव और पांडव में युद्ध शुरू हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, शूटिंग टुक प्लेस, ठीक है, और शूटिंग कैसे टुक प्लेस, ईस्टर्न क्वेश्चन, ये आपको यहां पे क्रॉस दिख रहा है, ठीक है। तो अब जब समझो, ये मैं इन इन आज इमेज का यूज क्यों किया हूं मालूम है, क्योंकि एक लेंदी लेक्चर को मैं कैसे आपके दिमाग में बैठा दूं, बस मेरी कोशिश ये, ठीक है, बस मेरी कोशिश ये। अब जब समझो, ईस्टर्न क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ईस्टर्न क्वेश्चन, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सऊदी अरेबिया में जो इस्लाम आया, वो इस्लाम नॉर्थ में गया, उसने मॉन्टीनिग्रो, ग्रीस, ठीक है, बुल्गारिया, सर्बिया, सबको कैप्चर किया, लेकिन जैसे वो ऑस्ट्रिया घुसने लगा उसको वहां पे हरा दिया गया, जिसे आप क्रूसेड बोलते हो। लेकिन तब तक ऑटोमन एम्पायर स्टैब्लिश हो गया था टर्की में, ठीक है, टर्की के अलावा आसपास बुल्गारिया, सर्बिया, ये सब ऑटोमन एम्पायर में थे। अब क्या हुआ कि जब ऑटोमन एम्पायर में ये चीजें डेवलप हुई, ठीक है, तो अब यहां से क्या शुरू हुआ, अब जरा समझेंगे मेरी बात को, ठीक है, अब यहां से डेवलपमेंट ये शुरू हुआ, ऑटोमन एम्पायर जब डेवलप हुआ कि एक तो इस्लाम टर्की में आ गया, पहला क्वेश्चन, ठीक है, और सेकंड क्या हुआ आपको मालूम है, सेकंड ये हुआ कि वहां पे जो ऑलरेडी पहले क्रिश्चियनिटी थी, तो इस्लाम जब वहां पे गया तो क्रिश्चियनिटी ने उसको बराबर जगह नहीं दी, मतलब इस्लाम ने क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट नहीं किया और ना इक्वल स्टेटस दिया। देखो यहां पे लिखा हुआ है, नेवर गेव इक्वल स्टेटस टू क्रिश्चियन सब्जेक्ट, क्योंकि क्रिश्चियन पहले रहते थे वहां पे, अब तो इस्लाम आया है ना, तो क्रिश्चियनिटी को इक्वल स्टेटस नहीं मिला, ठीक है, क्लियर है, तो यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई, क्लियर है। अब यहां पे क्या हुआ कि तुरंत क्या हुआ, आप देखेंगे कि इक्वल स्टेटस तो मिला नहीं क्रिश्चियन सब्जेक्ट को, तो यहां पे अब क्या हुआ कि जो टर्की के लोग थे क्रिश्चियन वाले, उन्होंने बोला कि अब हम लोगों को आजादी चाहिए, अब हम इस्लाम के अंडर में नहीं रह सकते, अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, दैट इज द क्रिएट क्वेश्चन मार्क, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। अब यहां से ये चीज स्टार्ट हुई, लास्ट फेज 18th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, टर्किश एम्पायर जो था उसके जो इस्लामिक रूलर थे वो वीक होने लगे, ठीक है, जैसे इस्लामिक रूलर वीक होने लगे, क्रिश्चियन स्टेट्स को एक मोटिवेशन मिला कि अब इस्लाम का रूलर पावरफुल नहीं है, अब हम रिवोल्ट कर सकते हैं, तो तुरंत ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने ऑटोमन एम्पायर से बाहर हो गए, और बाहर होते ही उन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, यहां पे अपनी इंडिपेंडेंस को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, क्लियर है। अब जब डिक्लेयर किया तो यहां पे मॉन्टीनिग्रो ने 1799 में, सर्बिया ने 1820 में, और ग्रीस ने 1830 में, इन तीनों ने यहां पे क्या कर दिया, अपना अपना इंडिपेंडेंस शुरू कर दिया, क्लियर है। तो मॉन्टीनिग्रो 1799, सर्बिया 1820, ग्रीस 1830, याद रखेंगे, और ये तीनों किसके अंडर में थे, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, क्लियर है। तो अब यहां से, ठीक है, यहां से ये बिल्कुल अलग हो गया, तो पहली चीज तो ये, सेकेंड, दिस इज स्टार्टेड स्ट्रगल बिटवीन ईस्टर्न यूरोपियन नेशन एंड टर्की। अब समझना मेरी बात को, अब देखो मैं फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूं, इस्लाम सऊदी अरेबिया से टर्की आया, बीजेंटाइन एम्पायर एंड हुआ, ऑटोमन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, जो टर्की के आसपास के एरिया जो क्रिश्चियन वाले थे इन लोगों को प्रॉब्लम हुई,
क्योंकि इस्लाम का अपना डोमिनेंस था क्रिश्चियनिटी पे, इनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया, इनटॉलरेंस की पॉलिसी आ गई, तो फिर क्रिश्चियनिटी ने इनके खिलाफ में आजाद होने का प्लान बनाया। सबसे पहले मॉन्टीनिग्रो आजाद हुआ, टर्की से अलग हो गया ऑटोमन एम्पायर से 1799 में, फिर सर्बिया अलग हो गया 1820 में और ग्रीस अलग हो गया 1830 में। ठीक है, अब जैसे ये लोग अलग हो जाते हैं, टर्की कहता है तुम्हारी औकात कैसे हुई हमसे अलग होने की ऑटोमन एम्पायर ने, और तुरंत ऑटोमन एम्पायर ने इनके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और जैसे ही ऑटोमन एम्पायर ने इनके ऊपर अटैक किया, जब मेरी बात को समझना, ठीक है, तो यहीं से डेवलपमेंट शुरू हुए। और ये डेवलपमेंट क्या थे मालूम है आपको, अब होगा क्रीमियन वॉर, फिर होगा बर्लिन कांग्रेस, फिर होगा न्यू डेवलपमेंट और फिर होगा बाल्कन वॉर्स। तो यहां तक की स्टोरी याद रखना तो आगे समझ में आने वाला है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट, पॉलिटिकल ऑर्डर, सब कुछ, मिलिट्री डेवलप हो गई, ईस्टर्न क्वेश्चन, ये जो था ये मेजर कॉज था, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अब क्रीमियन वॉर क्या था आप जरा समझ लो। ये देखो, ये आपको यहां पे ग्रीस दिख रहा है, ये बुल्गारिया है, ये रोमानिया है, ठीक है, ये सर्बिया है, ठीक है, ये आपका मॉन्टीनिग्रो है, ये अल्बानिया है, ये इटली है, ये क्रोशिया है, ये बोस्निया और हर्जेगोवेनिया है। क्लियर है, ये सभी स्टेट्स अलग अलग हैं। ठीक है, अब यहां पे जब ये अलग हुए टर्की से, ठीक है, ये टर्की है आपका, ठीक है, जब ये इससे अलग हुए तो टर्की ने इनके ऊपर अटैक करना चाहा, और जैसे ही टर्की ने इनके ऊपर अटैक करना चाहा तो तुरंत जार अलेक्जेंडर ने वहां पे उसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है, जार अलेक्जेंडर ने उसको सपोर्ट कर दिया, क्लियर है, समझो बेटा, डोंट वरी, स्पैमर्स आते रहते हैं, नो नीड टू वरी। क्या होता है ना कि जब देखो जिसको पसंद नहीं आता तो निकल जाता, कोई कमेंट कर रहा तो मतलब खास बात है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्लियर है, समझ लो, इतना टाइप करने की उसके अंदर दिक्कत आ रही है तो समझ लो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है। ठीक है, आज गांधी जी का दिन है, हम लोग अहिंसावादी बने, इन सबको छोड़ें, गांधी ने बोला था मेरा स्टेटस आज अगर आपने देखा होगा, तो बिल्कुल काम रहो, शांति से रहो, तुम पूरे विश्व को जीत सकते हो, एक बात याद रखना। ठीक है, तो बस जस्ट चिल, फोकस ऑन द स्टडी। ठीक है, अब समझो, जैसी टर्की उन छोटे स्टेट पे अटैक करने आएगा, जार अलेक्जेंडर रसिया के किंग थे, कहां के किंग थे, रसिया के, जार अलेक्जेंडर तुरंत कॉल करेंगे ब्रिटेन के पास, हेलो ब्रिटेन, आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। ब्रिटेन कहेगा क्या प्रपोजल है भाई साहब, ठीक है, क्या प्रपोजल है, तो ये कहेगा कि भैया जो क्रिश्चियन पावर्स हैं, ठीक है, इनको यूनाइट करना चाहिए और इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और बचाना चाहिए। तो बोले कौन से, बोले जो अभी टर्की से अलग हुए हैं उनको हमें बचाना चाहिए। तो जार अलेक्जेंडर ने क्या बोला मालूम है आपको, जार अलेक्जेंडर ने क्या बोला, मतलब ब्रिटेन ने क्या बोला, बोला तुमको जो करना करो, मुझे नहीं इसमें पढ़ना। तो बोले ठीक है, तुरंत जैसे ही ब्रिटेन ने जार अलेक्जेंडर का प्रपोजल ठुकराया, जार अलेक्जेंडर अकेले पर्सनल इनिशिएटिव उठा लिया और उसने क्रीमियन वॉर छेड़ दिया जो 1854 से 56 के बीच हुआ। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है, इनके बीच में हुआ। ठीक है, अब यहां पे क्या हो कि इनिशियली जो वॉर था वो टर्की और रसिया के बीच में शुरू हुआ, किसके बीच में स्टार्ट हुआ, टर्की और रसिया के बीच में। अब समझो, जैसे ही टर्की और रसिया के बीच में वॉर हुआ, ब्रिटेन ने रसिया को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ब्रिटेन को डर ये हो गया अगर रसिया जीत गया तो पावरफुल हो जाएगा। कल हमने इटली में देखा था परसों, ठीक है, कि कैसे इटली सपोर्ट करने आ गया था ब्रिटेन और फ्रांस का, तो तुरंत ब्रिटेन और फ्रांस आ गए और इन दोनों ने मिलकर टर्की को सपोर्ट कर दिया और रसिया यहां पे हार गया बेटा। रसिया को इन लोगों ने धोखा दिया, डिफीट कर दिया, और जैसे ही रसिया हारा, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में आपस में बोल दिया जाता है, टर्की को धमकाया जाता है, देखो टर्की तुम आज से क्रिश्चियनिटी को इक्वल स्टेटस दोगे, समझना मेरी बात को, ठीक है, आज से आप क्रिश्चियनिटी को इक्वल स्टेटस दोगे, समझ रहे हो ना, इक्वल स्टेटस का मतलब क्या है, गेटिंग द पॉइंट, इक्वल स्टेटस का मतलब यह है कि आज से आप क्रिश्चियनिटी को बराबर, इस्लाम के बराबर तवज्जो दोगे। टर्की ने बोला यस मैं दूंगा, मेरी क्या गलती है, लेकिन मेरे ऊपर अटैक मत करो, मर जाऊंगा, माफ कर दो। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन जैसे ही टर्की वापस गया तो टर्की का जो सुल्तान था
उसने जो वादा किया था कि क्रिश्चियनिटी को इक्वल स्टेटस देंगे, वो बेचारा दे नहीं पाया, वो फेल हो गया। ठीक है, अब जैसे ये फेल हो गया और फिर से इस्लाम ने क्रिश्चियनिटी को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और उस समय एक और चीज हो गई, क्या? फेमाइन आ गया, खाने की कमी। कहां पे? बोस्निया और हर्जेगोवेनिया। अब ये एरिया है किसके अंडर में? ऑटोमन के अंडर में। तो तुरंत यहां पे टेंशन शुरू हो गई ईस्टर्न यूरोप में। जैसी टेंशन शुरू हुई, क्योंकि खाने की कमी है, अब करे तो करे क्या, तो बुल्गारिया ने तुरंत देखा कि सब कोई मुसीबत में, टर्की भी मुसीबत में, हर कोई मुसीबत में। बुल्गारिया ने तुरंत टर्की पे अटैक कर दिया। ठीक है, बुल्गारिया ने तुरंत टर्की पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। ठीक है, और जैसे ही बुल्गारिया ने टर्की पे अटैक किया, अब जानते हैं क्या हुआ, तुरंत रसिया आ गया और रसिया ने बुल्गारिया से बोला, चलो चलो भाई, लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। रसिया को फिर मौका मिल गया, रसिया ने बुल्गारिया को सपोर्ट कर दिया, और इस बार टर्की को बचाने ब्रिटेन फ्रांस नहीं आ पाए। और 1877 में टर्की डिफीट हो गया। रसिया गेटिंग हैप्पी, और रसिया ने टर्की के साथ ट्रीटी की, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सैन स्टीफेनो। देखो भाई साहब, तुरंत रसिया ने टर्की के साथ ट्रीटी की, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सैन स्टीफेनो। अब ट्रीटी ऑफ सैन स्टीफेनो क्या था मालूम है आपको? आपको दिख रहा होगा, रशियंस बिकम वेरी हैप्पी। क्यों? बुल्गारिया जो अब तक टर्की के अंडर में था, उसको ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया, बोला आज से तुम आजाद हो और रसिया के प्रोडक्शन में हो। रसिया ने बोला आज से भाई तुम मेरे अंडर में, टेंशन मत लेना। ठीक है, टर्की ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया इंडिपेंडेंस, किसका? ग्रीस का, सर्बिया का और मॉन्टीनिग्रो का, जो मैंने आपको बताया 1799-1820, ये जो लोग जो अलग हुए थे। टर्की ने बोला यस, आज से मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो अलग है, अब मैं उनके ऊपर कभी अटैक नहीं करूंगा। ठीक है, और सुनो, जो ब्लैक सी था उसको रशियन इन्फ्लुएंस का जोन बना लिया, तो रसिया को सब कुछ मिल गया, समझ रहे हो? रसिया को एक तरफ तो बुल्गारिया प्रोटेक्शन में आ गया, ग्रीस, सर्बिया, मॉन्टीनेग्रो इंडिपेंडेंट हो गए, सब रसिया को पैर छूने लगे, बोले महाराज तुम ही थे, बचा लिए, बहुत अच्छी बात है। ब्लैक सी रशियन इन्फ्लुएंस में आ गया, पूरे यूरोप में रसिया पावरफुल। पेन फॉर द ब्रिटेन, ब्रिटेन रोने लगा, बोला अरे भाई मर जाएंगे, अगर रसिया इतना हो गया तेज तो हम तो मर जाए, अब तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये पेन बन गया किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। और ब्रिटेन यहां से रोना शुरू कर गया। ठीक है, और जैसे ही ब्रिटेन ने यहां से रोना शुरू किया, और ये रशियंस खुश हैं, ब्रिटेन रो रहा है। लेकिन अब कहानी बदलने वाली, मजा आने वाला, समझना। ट्रीटी ऑफ सैन स्टीफेनो में रशियंस भले ही पावरफुल हो गए, ब्रिटेन भले ही रोने लगा क्योंकि रशियंस पावरफुल हो गए, लेकिन तुरंत भाई साहब हीरो आ गया। ये दिख रहा है आपको, ये आ गया आपका कौन? बिस्मार्क बोल रहा है अभी हम जिंदा है। ठीक है, अभी जिंदा है कैसे? तुरंत जैसी सैन स्टीफेनो की ट्रीटी हुई, ब्रिटेन रोने लगा। ब्रिटेन के पीएम थे डिजराइली, इन्होंने वार्न किया, हे रसिया टू बी न्यूट्रल, पटक के मारे जाओगे, घर में घुस के मारूंगा। बिस्मार्क ने ऐसे देखा, ऐसे देखा, बोला मौका सही है। बिस्मार्क ने तुरंत बोला कि मैं एक बर्लिन कांग्रेस बना रहा हूं, रसिया को और ब्रिटेन को आना है, और मैं इनके बीच में शांति कराऊंगा। अभी तक बर्लिन कहीं नहीं था, अभी तक बर्लिन का नामो निशान नहीं था, क्योंकि बेटा आप लोग पढ़ रहे हो, आपने सुना होगा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, लंदन एग्रीमेंट, फलनवा एग्रीमेंट, धमकवा एग्रीमेंट, लेकिन कभी आपने सुना बर्लिन, ट्रीटी ऑफ बर्लिन, बर्लिन को कभी स्टेटस मिलते सुना? अभी तो जन्म हुआ है और हम जर्मनी सुनते थे, बर्लिन तो सुना ही नहीं। हैप्पी बर्थडे बर्लिन, कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ द बिस्मार्क। बिस्मार्क बीच में आ गया, बिस्मार्क ने बर्लिन में कॉन्फ्रेंस बुलवाई, जिसे हम बर्लिन कांग्रेस कहते हैं, और बर्लिन कांग्रेस में रसिया भी आया और ब्रिटेन भी आया, और तुरंत यहां पर इन्होंने बोला कि ब्लैक सी वॉज डिक्लेयर्ड एज न्यूट्रल जोन, जिस पे रसिया का इन्फ्लुएंस था उसको न्यूट्रल कर दो,
और ब्लैक सी न्यूट्रल हो जाएगा, पहली चीज बोल दी। बुल्गारिया का पार्टीशन कर दिया और उसको बोला कि एक ऑटोनोमस स्टेटस में रहेगा आधा पार्ट, और आधा पार्ट फिर से टर्की को दे दिया। देख लो ना बेटा, सब कुछ रसिया के खिलाफ जा रहा है, सब कुछ रसिया के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, साइप्रस केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटेन, साइप्रस को ब्रिटेन को दे दिया। और ये जो बोस्निया और हर्जेगोवेनिया है ना, जहां पे प्रिंस आर्किड्यूक की हत्या होगी, असैसिनेशन होगा, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, ये इन्होंने दे दिया ऑस्ट्रिया को। अब इनने ऑस्ट्रिया को क्यों दिया मालूम है? क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी का एलाई था। तो ट्रीटी ऑफ सैन स्टीफेनो के बिल्कुल अलग जाके बिस्मार्क ने अपने दिमाग का यूज करके रसिया को डिफीट कर दिया, ब्रिटेन को कुछ भी नहीं दिया और सब ऑस्ट्रिया को देकर अपने हाथ में पावर ले ली। और ये कहते हैं बिस्मार्क का दिमाग। और यहां से हैप्पी बर्थडे बर्लिन आया और बर्लिन का बर्थ हो गया, समझ रहे हो? जैसे ये खबर रशियंस को जैसी पता चली, रशियंस ने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत से टर्की को हराया था, इतना कुछ मैंने पाया था, नहीं ये नहीं हो सकता है। दिख रहा आपको, ये नहीं चिल्ला रही किरण के लाइक रसिया, रसिया ऐसी फीलिंग में था, नहीं मतलब बर्लिन कांग्रेस की ट्रीटी को समझ के पगला के बोले ये कैसे हो सकता है, समझ रहे हो? अब यहां से क्या हुआ कि स्मार्ट मूव के साथ में जर्मनी इंटर हुआ, उसने ईस्टर्न यूरोप के अफेयर्स में एंट्री की और उसने बोस्निया और हर्जेगोवेनिया किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को। और सर्बिया जो था वो कंसीडर किया गया इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, अब सर्बिया इंटीग्रल पार्ट किसका बन गया मालूम है आपको बेटा? सर्बिया इंटीग्रल पार्ट बन गया, ठीक है, किसका? ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बोस्निया और हर्जेगोवेनिया दोनों सर्बिया का इंटीग्रल पार्ट था। और यहीं से रिफ्ट स्टार्ट हो गया। सर्बिया ने बोला कि बर्लिन कांग्रेस में बोस्निया और हर्जेगोविना जो तुमको ये दिया है ना, कौन? बिस्मार्क, वो हमारा है और तुम्हें इसे वापस देना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया ने बोला देखो पटक के मारे जाओगे, छोटे से देश औकात में रहो, छोटे से देश औकात में रहो ना, पटक के मारे जाओगे। ठीक है, अब रशियंस की फीलिंग ऐसी चल रही थी और रशिया सब कुछ लॉस में चला गया, रशिया कंप्लीटली लॉस में चले गए। अब जैसी रशियंस पूरी तरीके से लॉस में गए, मेजर यूरोपियन पावर एक साइड आ गई। ठीक है, मेजर यूरोपियन पावर सब एक साइड हो गई और रसिया बेचारा अकेला हो गया, आइसोलेट हो गया, क्वारंटाइन में चला गया, बोला मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मैंने क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए मैं आगे आया था। ठीक है, समझ रहे हैं? अब यहां पे दिक्कत आई, बिल्कुल क्लियर हो गया रसिया को कि बेटा डायरेक्ट तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसका? ईस्टर्न यूरोप का। कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा बिस्मार्क की तरह, डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता, कुछ इनडायरेक्ट कर ले। और ऑस्ट्रिया सर्बिया में फाइट हो ही रही थी तो अब बोला क्या कर ले, तो बोले भाई अच्छे कुमार बुला रहे ऐसे नहीं तो ऐसे सही, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी कर दो। रसिया को पता चल गया मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ ना कुछ तो कर सकता हूं, बोले क्या कर सकते हो? रसिया ने सर्बियंस को सपोर्ट किया और एक नया स्लोगन आ गया, पैन स्लाविज्म। स्लाव एक रेस है, रेस समझते हो ना, नस्ल, जैसे एशियन है। ठीक है, एशियन रेस है, एशियन रेस, एशिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक रेस के लोग पाए जाते हैं, ऐसी स्लाव एक रेस है। और ये रेस जो है वो रसिया में भी पाई जाती है और रसिया के साथ साथ सर्बिया में भी पाई जाती है। सबसे ज्यादा सर्बियंस, सर्बियंस और रशियंस आर ब्रदर्स, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई वाली फीलिंग है ना, ऐसे सर्बियंस और रशियंस जो है, ठीक है, वो हो गया। अब ये भाई साहब हंस रहा है, ये रसिया हंस रहा, बोला ऐसे नहीं तो ऐसे, बोले क्या? तुरंत पैन स्लेविज्म मूवमेंट स्टार्ट हो गया सर्बिया में, मतलब सर्बिया के लोगों ने बोला कि हम एक रेस के लोगों को इकट्ठा करो। अब बोस्निया हर्जेगोविना जो ऑस्ट्रिया के अंडर में था उसमें भी ये थे, समझ रहे हो, उसमें भी ये थे, क्लियर है? तो इन पैन स्लेविज्म स्टार्ट हुआ, सर्बिया और बाकी सबको मिलाकर एक ग्रेटर सर्बिया बनाया गया। और सर्बिया ने बोला कि बोस्निया हर्जेगोविना ये सब मेरा पार्ट है। ठीक है,
और इसको सपोर्ट कर दिया किसने? रसिया ने। क्यों? क्योंकि यही रेस रसिया में डोमिनेंट थी और यही रेस ग्रेटर सर्बिया में थी। रसिया ने बोला भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं। इसने बोला ठीक है। अब यहीं से पैन स्लेविज्म का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब जब सर्बियंस ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया तो टर्किस क्यों पीछे रहेंगे? टर्क्स को मालूम चला कि अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो टर्की ने स्टार्ट किया यंग टर्क मूवमेंट, और टर्की ने भी अपना कल्चरल डेवलपमेंट शुरू किया, और टर्किश लोगों ने बोला कि आज से टर्किश लैंग्वेज जो है वो ओटोमन एम्पायर के सभी पार्ट्स में होगी, मतलब टर्किश लैंग्वेज इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द ओटोमन। समझ रहे हो? ऑल पार्ट्स ऑफ द ओटोमन, ओटोमन के सारे पार्ट्स में टर्किश लैंग्वेज आ गई। अब एक तरफ टर्किश मूवमेंट, एक तरफ सर्बिया का पैन स्लेविज्म, दोनों मूवमेंट तेजी से अपने आप चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर एक नया ग्राउंड तैयार किया, मतलब अब टर्की और सर्बिया के बीच में कल्चरल एक्सपेंशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्लैश आ गया। ठीक है, वो दिन दूर नहीं है कि जब दोनों आपस में टकरा कर खत्म हो जाए। ठीक है, और अब ये लोगों को मालूम चल गया कि अब दिन दूर नहीं है कि कभी भी वॉर हो सकता है, कभी भी वॉर हो सकता है। तो जैसे ही बात चली कि वॉर हो सकता है, इन सभी ने, सर्बिया ने, रोमानिया ने और ग्रीस ने, ठीक है समझना मेरी बात को, सर्बिया, रोमानिया और ग्रीस, इन तीनों ने मिलकर बाल्कन लीग बना ली। कौन सी लीग बना ली बेटा? बाल्कन लीग, समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना। एक तरफ पैन स्लेविज्म, एक तरफ टर्किश मूवमेंट। अब लोगों को पता चल गया कि क्लैश हो गया है, ये लड़ सकते हैं। अब अगर ये लड़ेंगे तो सर्बिया ने, रोमानिया ने, ग्रीस ने मिलकर अपनी लीग बना ली, बोला बी आर द बाल्कन लीग्स, अब हम पे अटैक हुआ तो मैं बदला लूंगा। तो आप समझो, बाल्कन लीग जैसी ही बनी, ठीक है याद रखेंगे, क्लियर है, बाल्कन लीग जैसे ही बनी, बाल्कन वॉर स्टार्ट हो गया। कौन सा वॉर स्टार्ट हो गया? बाल्कन वॉर, क्लियर है। अब जैसे ही बाल्कन वॉर स्टार्ट हुआ तो दो बाल्कन वॉर होते हैं, फर्स्ट बाल्कन वॉर और सेकेंड बाल्कन वॉर। पहला बाल्कन वॉर होता है 1912-13, दूसरा बाल्कन वॉर होता है 1913 में। ठीक है, लगातार दो साल में दो बाल्कन वॉर्स हुए। अब फर्स्ट बाल्कन वॉर जो था वो क्या था, मैं आपको बता दूं, इट वॉज टुक प्लेस वेन मॉन्टीनिग्रो अटैक्ड टर्की। समझ रहे हो, मॉन्टीनिग्रो कहां है? ठीक है, ये, ठीक है, ये देखो, ये अभी आएगा यहीं पे, ये मूव करके आएगा, देखो समझो, जब इस पे मैप पे देखो, ठीक है, अभी 1916 जाने दो, 1910 आने दो, तब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये 1920 में मैप ऐसा हो गया था, लेकिन शुरुआत में कैसा, ये देखो 1910 में मॉन्टीनिग्रो, टर्किश, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, ये 1913 में ये ऐसे बदल गया। तो एक बार अभी नोट्स मिलेगा तो उसमें एक बार देख लेना, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, समझेंगे। अब समझो, मॉन्टीनिग्रो ने टर्की पे अटैक कर दिया और उसने टर्की को बोला कि तुम अपना कल्चर मेरे ऊपर थोपो मत, और टर्की पे अटैक कर दिया। जैसे ही मॉन्टीनिग्रो ने टर्की पे अटैक किया, तुरंत बाल्कन लीग ने 1913 में टर्की को सपोर्ट कर, मतलब मॉन्टीनिग्रो को सपोर्ट कर दिया। और बेटा जैसे मॉन्टीनिग्रो को सपोर्ट मिला, टर्की डिफीट हो गया, और टर्की जैसे डिफीट हुआ, टर्की के साथ में एक नया एग्रीमेंट हुआ, लंदन एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट में टर्की ने फाइनली बोल दिया, आज से, अभी से मैं कसम खाता हूं कि मेरा ईस्टर्न यूरोप से कुछ भी लेना देना नहीं है, आज से ये सब अलग हैं और मैं जितना हूं मैं अपने में खुश हूं। टर्की ने अपना क्लेम लेफ्ट कर दिया ईस्टर्न यूरोप से, आ गया समझ में? ठीक है, ईस्टर्न यूरोप से अपना क्लेम लेफ्ट कर दिया, और इसने डिजायर फुलफिल किया किसका? ईस्टर्न यूरोप का, इंडिपेंडेंस का। फाइनली ईस्टर्न यूरोप इंडिपेंडेंट हो गए, समझ रहे हो, टर्की से मुक्ति मिल गई, अब ये इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन क्या ये अब आपस में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, ये टर्की से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन ये आपस में लड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपस में लड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल टर्की की ड्रामेबाजी ही थी। अब सेकेंड बाल्कन वॉर स्टार्ट हो गया। सेकेंड बाल्कन वॉर में क्या हुआ समझो, जब बाल्कन स्टेट ने टर्की को हराया, ठीक है, तो आप समझना,
बुल्गारिया जो था वो हैप्पी नहीं था, क्यों? क्योंकि इसने मदद की थी वॉर में, और जब फर्स्ट बाल्कन वॉर में बुल्गारिया ने मदद की तो उससे जो उसको गिफ्ट मिला तो बुल्गारिया को बहुत कम इलाका मिला। बुल्गारिया चाहता था कि मैसेडोनिया हमें मिल जाए, लेकिन ये मैसेडोनिया किसको दे दिया? सर्बिया को। मैसेडोनिया सर्बिया को दे दिया, तो इनके लिए एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, समझ रहे हो क्या? बुल्गारिया ने बोला कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, हम सब बराबर लड़े हैं, तो मैसेडोनिया का बराबर बंटवारा होना चाहिए। सर्बिया ने बोला नहीं, मैसेडोनिया हमारे अंडर में रहेगा। तुरंत बुल्गारिया नाराज हो गया, बुल्गारिया ने अटैक कर दिया किस पे? सर्बिया पे। और जैसे बुल्गारिया ने सर्बिया पे अटैक किया, ग्रीस, रोमानिया और टर्की ने सर्बिया को सपोर्ट कर दिया। अब यहां पे इन लोगों ने ना गिरा गिरा के मारा, किसको? बुल्गारिया को। ग्रीस, रोमानिया, टर्की, सर्बिया चारों ने मिलकर बुल्गारिया को पटक के मारा, और बुल्गारिया को पटक के मारा, उसके बाद बुल्गारिया वॉर हार जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बुकारेस्ट 1913। और इस ट्रीटी में जानते हो क्या होता है? इस ट्रीटी में यह होता है कि जो भी फोर्टिफाइड एरिया है, ठीक है, फर्स्ट बाल्कन वॉर के, ठीक है, वो सब मिलाकर एक सर्बिया बना दिया जाएगा, और सर्बिया यहां से एक पावरफुल नेशन बन गया, स्लाव रेस का। समझ रहे हो किस रेस का पावरफुल नेशन बन गया? स्लाव रेस का पावरफुल नेशन बन गया। सारी कहानी क्लियर हुई? आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, सारी कहानी क्लियर हो गई। अब बस लास्ट का फेज बचा हुआ है, ठीक है, बस मैं आपका कुछ समय लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में खत्म हो रहा है, बस बने रहो। सारी कहानी आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि कैसे जर्मनी बना, कैसे क्या हुआ, कैसे ईस्टर्न क्वेश्चन आया, कैसे प्रॉब्लम हुई। अब सर्बिया पावरफुल हो गया है, हाँ, अब जानते हो क्या होगा? सर्बिया पावरफुल तो हो गया, लेकिन ऑस्ट्रिया ने उसको धमकी दी, और ऑस्ट्रिया ने बोला कि सर्बिया ऑस्ट्रिया का पार्ट है, और सर्बिया ने बोला बोस्निया और हर्जेगोविना, और सर्बिया ने बोला नहीं, वो सर्बिया का पार्ट है। बोस्निया और हर्जेगोविना को लेकर सर्बिया और ऑस्ट्रिया में क्लैश हो गया। दोनों दो स्टेट याद, मतलब दो नाम याद रखेंगे, बोस्निया हर्जेगोविना, उसको लेकर सर्बिया और इनके बीच में फाइट हो गई। ऑस्ट्रिया का किंग, मतलब प्रिंस आर्क ड्यूक फर्डिनांड घूमने जाता है बोस्निया, और बोस्निया वॉज द कैपिटल ऑफ द सर्बिया। बोस्निया में एक सर्बियन स्टूडेंट ने ऑस्ट्रियन प्रिंस आर्क ड्यूक फर्डिनांड को मार दिया जान से, और जैसे ही आर्क ड्यूक फर्डिनांड की डेथ हुई, तुरंत ऑस्ट्रिया ने बोला क्या कर दिया तुमने, मेरा बेटा नालायक था लेकिन उसकी हत्या कर दी तुमने। तुरंत सर्बिया के ऊपर प्रेशर आया ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया बिल्कुल आंखों में बिल्कुल खून लेकर के, भैया ये गलत हो गया, अब पटक के मारेंगे, ठीक है। अब समझो क्या हुआ, जैसे ही ऑस्ट्रिया ने ये बात बोली, सर्बिया भाग के रसिया के पास गया, बोला ऑस्ट्रिया कह रहा है चेकिंग करेंगे, तुम दोषी हो गए तो तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको जीत कर ऑस्ट्रिया में मिला देंगे। रसिया ने बोला डोंट वरी भाई, तू मेरा भाई है, छोटा ही सही लेकिन भाई है, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। सर्बियन 56 इंच का सीना लेके फिर आ गए, बोले आओ आओ, हमारे साथ रसिया है, हमारा बड़ा भैया है। ऑस्ट्रिया तुरंत जर्मनी की ओर जाता है। अब देखो कहानी, अब कहानी सुनो, अब ऑस्ट्रिया जर्मनी की ओर गया, और जर्मनी का किंग कौन था? विलियम काइजर सेकेंड, देख रहे हो ना ये इमेज में हंस रहा है, विलियम काइजर सेकेंड। जैसे ऑस्ट्रिया का किंग उनके पास गया, विलियम काइजर ने क्या बोला मालूम है? आओ मेरे भाई आओ। तो ऑस्ट्रिया के प्रिंस ने बोला मैं यहां आपकी मदद के लिए आया हूं। विलियम काइजर ने बोला अरे पगले, मुझे सब मालूम है, तू काहे टेंशन लेता, तू आ ना। विलियम काइजर तो पहले से लड़ना चाहता था, उसको बहाना नहीं मिल रहा था, और इससे अच्छा बहाना क्या था यूरोप में अटैक करने का, बहाना मिल गया। उसने बोला तू मेरा भाई है, भाई जैसे रशियन सर्बियंस भाई है, वैसे जर्मनी ऑस्ट्रिया भाई भाई है, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, जा और अटैक कर सर्बिया पे। तुरंत 28 जून को मारा गया था, 28 जुलाई को सर्बिया पे अटैक हो गया। किसने किया मालूम है आपको? ऑस्ट्रिया ने। क्यों? इसको सपोर्ट दे दिया किसने? जर्मनी ने। और तुरंत इसने यहां पे मारना शुरू किया। रसिया ने अपनी आर्मी, समझो
रसिया ने अपनी आर्मी बाउंड्री पे लगानी शुरू की। बेटा केवल आर्मी लगाई थी, बहुत ध्यान से समझना, केवल केवल आर्मी लगाई थी। तुरंत जर्मनी ने बोला हे रसिया टू बी न्यूट्रल, तुम बीच में मत आओ, ऑस्ट्रिया को मैंने वादा किया अगर तुमने ऑस्ट्रिया पे अटैक किया तो मैं तुम पे कर दूंगा। रसिया लेटर लिख रहा था ठीक है मुझे लड़ना नहीं है, और जर्मनी को जैसे ही पता चला कि रसिया नहीं लड़ेगा बोला यार हमारा प्लान फेल हो जाएगा। विलियम काइजर ने 1 अगस्त 1914 को रसिया पे अटैक कर दिया, रसिया और इनकी फाइट शुरू हो गई। आप सुनो, रसिया ब्रिटेन और फ्रांस क्या थे? दोस्त थे। रसिया ब्रिटेन फ्रांस दोस्त थे, तो फ्रांस ने क्या किया मालूम है? अपनी आर्मी लगाना शुरू किया इधर से। फ्रांस जैसी आर्मी लगाने लगा विलियम काइजर ने बोला ए फ्रांस औकात में रहना, पटक के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ठीक है तुमको पहले भी मारा है सेडान के बैटल में फिर मारेंगे। तो फ्रांस ने भी लेटर लिखना शुरू किया कि ठीक है हम नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, सॉरी आई एम सॉरी। जैसे ही इसको पता चला कि फ्रांस लड़ने के मूड में नहीं है तो विलियम काइजर ने बोला ओहो ओहो ऐसे कैसे, ये लड़ेगा नहीं, तुरंत 3 अगस्त को अटैक। समझ सकते हो जर्मनी जैसा देश एक तरफ रसिया को और एक दिन गैप करके 3 तारीख को और फ्रांस पे अटैक कर दिया, समझ रहे हो, फ्रांस पे अटैक कर दिया। और सुनो ब्रिटेन बैठ दूर बैठ के ऐसे हाथ करके मजे ले रहा है, बोला नरेंद्र मरने दो सबको मरने दो, क्योंकि वो अलग था, ब्रिटेन मजे ले रहा है। लेकिन तुरंत जर्मनी ने बेल्जियम पे अटैक कर दिया कि उसको फ्रांस जाने के लिए बेल्जियम होके जाना था, और बेल्जियम पे जैसी अटैक किया, बेल्जियम यहां है बेटा यहां, और जैसी बेल्जियम पे अटैक किया, बेल्जियम वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। बेल्जियम किसके प्रोटेक्शन में था? यूके के प्रोटेक्शन में। और यूनाइटेड किंगडम ने क्या बोला मालूम है आपको? यूनाइटेड किंगडम ने बोला कि तुमने बेल्जियम पे अटैक करके गलत किया, तुम हमसे लड़ो। जर्मनी उससे भी लड़ने लगा, और सुनो जर्मनी ऑस्ट्रिया और टर्की ऑटोमन एम्पायर ने भी इनका साथ दिया, ये तीनों एक होकर लड़ रहे थे। इटली का रोल आया, इटली भाग के गया, ठीक है इटली ने बोला, पहले विलियम काइजर के पास गया, बोला हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, हमको क्या मिलेगा? तो विलियम काइजर ने क्या बोला, बोले पटक के मारेंगे निकल जाओ, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, ठीक है पटक के मारेंगे निकल जाओ, कुछ नहीं देंगे, ठीक है तुम लड़ो, अगर जितना जीत पाना तुम्हारा। तो इटली ने बोला हम जीत पाएंगे क्या? उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था। इटली भाग के गया रूस के पास, हम तुम्हारी तरफ से लड़े, तुम्हारी तरफ से लड़े क्या मिलेगा? तो रूस ने बोला ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो भी मिलेगा। तो इटली ने बोला अच्छा इतना कुछ मिलेगा? बोला हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। इटली ने रसिया की तरफ से, मतलब ब्रिटेन फ्रांस और रसिया को ज्वाइन कर लिया वॉर में। और जैसे ब्रिटेन फ्रांस रसिया को इटली ने ज्वाइन किया, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। रसिया का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, रसिया 1917 में वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गया। आप सुनो इटली अकेले लड़ रहा है, और इटली की जिससे बात हुई थी वो तो बाहर हो गया, अब इटली टेंशन में हमें क्या मिलेगा, वो तो पहले ही बाहर चला गया। बोले अच्छा अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब समझो गलती कहां पे हुई, गलती कहां पे हुई। अभी तक जर्मनी पावरफुल था, पेरिस से 50 किलोमीटर दूर जर्मन आर्मी पहुंच गई थी, और कल सुबह पेरिस कैप्चर हो जाएगा, दो दिन में, कल सुबह नहीं दो दिन में पेरिस कैप्चर हो जाएगा। तुरंत वो सबमरीन, याद करो जो मैंने आपको बोला था बेटा याद रखना, यू बोट सबमरीन निकली, ठीक है, और यू बोट सबमरीन यहां से निकली, और एक जहाज था जो जाता था अमेरिका, एक जहाज था जो अमेरिका जा रहा था, कहां जा रहा था बेटा अमेरिका, ठीक है ये जहाज था, ठीक है ये जहाज अमेरिका जा रहा था, ठीक है। अब इस जहाज में इनकी पनडुब्बी ने अटैक कर दिया, बोला बड़ा ये अटैक हो गया, और ये जहाज डूब गया। अब जर्मनी की पनडुब्बी को ये लगा, सबमरीन को ये लगा कि इसमें हथियार थे जो अमेरिका ब्रिटेन को दे रहा था, लेकिन इसको ये नहीं मालूम था इसमें तो लोग थे, वो भी कौन से, अमेरिकन। जलजला यमराज को काल, मतलब खुद काल महाकाल को तुमने मतलब उंगली कर दी भाई साहब। अब अमेरिका ने बोला यार ये तो गलत किया, अब गलत कर दिया। अमेरिका की फोर्स अगले दिन आ गई, फ्रांस में लैंड की,
और फ्रांस पूरी तरीके से अमेरिका ने इधर से घेर लिया और इनको डिफीट करना शुरू किया। अमेरिका के इंटरफेरेंस की वजह से जर्मनी को कुछ ही दिन में नेस्तो नाबूद कर दिया गया। विलियम काइजर पोलैंड भाग गया, वहां उसकी डेथ हो गई और जर्मनी और ऑस्ट्रिया का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और एक ऐसी ट्रीटी हुई जो अगले वर्ल्ड वॉर को जन्म देगी और उस वर्ल्ड वॉर को हम बोलते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और हिटलर उभर कर सामने आएगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर करेगा। दैट्स इट, आज की क्लास बस यहीं तक। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ये आया था। क्वेश्चन कह रहा है, अब जब समझना मेरी बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑफ टू वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं कि जर्मनी दोनों वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार है? तो अब ये 2016 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ये दो वर्ल्ड वॉर के लिए बोल रहा है, तो अब इसको स्किप करो। कल शाम को ये बताओ, आंसर राइटिंग क्लास रखें आप सभी की इजाजत हो तो? आंसर राइटिंग रखें तो कल शाम को 4 बजे डेली आंसर राइटिंग शुरू करें। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, तो आंसर राइटिंग डिस्कशन स्टार्ट करें। शाम को 7 से 8 लेक्चर और दिन में 4 से 5 अगले दिन उसका आंसर राइटिंग, अगर आप लोग की मंजूरी हो तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे भी मस्त हैं वैसे भी मस्त हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो जैसा आप लोग बोले, ग्रुप पे आके इन्फॉर्म करिए, तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पे आके इन्फॉर्म करिए, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप चैनल आईडी, यहां जाएंगे, ऊपर पिन किया हुआ है आंसर राइटिंग ग्रुप, उसको ज्वाइन करें और अपना ओपिनियन दें कि क्या बदलाव चाहते हैं। ठीक है, और एडमिशन के लिए Deepak1 कोड का यूज करें, गेटिंग 10% डिस्काउंट। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन गुड नाइट, मिलते हैं पूरी तैयारी के साथ में कल। बाकी आइए ग्रुप पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।